फाल्गुन अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें। ये छह काम हिंदू धर्म में फाल्गुन महीना का विशेष महत्व रखता है। ये पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन कुछ चीजों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो छह काम। नंबर एक, फाल्गुन अमावस्या के दिन दूसरों के घर खाना खाने से बचना चाहिए। इस दिन ऐसा करना पितरों को नाराज कर सकता है, इसलिए इस दिन दूसरों के घर खाना खाने से बचना चाहिए। नंबर दो, पैसों का लेन देन करने से बचें। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए, यह धन की हानि का कारण बन सकता है। नंबर तीन, गुस्सा ना करें। इस दिन व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए, साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी दूरी बना लें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर चार, नाखून नहीं काटें। फाल्गुन अमावस्या को नाखून गलती से भी नहीं काटना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है, यह सही नहीं माना जाता है। नंबर पांच, सुनसान जगह न जाएं। फाल्गुन अमावस्या के दिन रात के समय किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए, यह घर में नकारात्मकता लेकर आता है। नंबर छह, नए कपड़े खरीदने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नए कपड़े खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए।